दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ योगाचार्य नरेश और हमारे साथ हैं ब्रह्मानंद जी मंगबगाई। आप महाकाली मंदिर में मुख्य पुजारी के दायित्व भी आपके पास है और आप सनातन रूप से मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। साथियों, थोड़ा सा मैं मंदिर का कुछ इंट्रोडक्शन करा दूं। महाकाली का मंदिर हमारे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा के सीमांत क्षेत्र एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर लगभग 2300 मीटर हाइट पर है। मंदिर बीरूखाल ब्लॉक से लगभग 20 किलोमीटर दूर और अल्मोड़ा के सेलदे ब्लॉक से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। वर्ष भर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन करते हैं और मनवांछित फल यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री ब्रह्मानंद जी ममगाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। सर, मेरा पहला जी सवाल है कि हम जो हमारे हिंदू धर्म में सुबह जल्दी उठने को कहा जाता है, तो कब हमें उठना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन में कुछ नए सुधार हो, हमारी आदतें ठीक हो और शास्त्र के हिसाब से जो जो फायदे बताए गए हैं वो सब हम उसका लाभ ले सकें, तो हमें सुबह कब उठना चाहिए सर? हाँ, धन्यवाद योगी जी। और आपने मुझे इस पे जोड़ा और दीपक जी का भी धन्यवाद। और मैं आप लोगों को, सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने प्रश्न किया कि सुबह कब उठना चाहिए, तो शास्त्रों में और वेदों में ये कहा गया कि सुबह 3:30-4 बजे से लेकर और 6 बजे तक का टाइम, विशेषता 4 से 5 बजे का बीच का जो टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। और इस समय पे हमारे शरीर की प्रत्येक अंग सक्रिय होते हैं, मतलब जो हमारे दिमाग है या हमारा ब्रह्म रंध्र है, जो हमारे सातों चक्र हैं, एकदम सक्रिय स्थिति में होते हैं। और अगर हम रोजमर्रा के जीवन में ये आदत बना लें तो हम कई रोगों से दूर हो सकते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और हमारे शास्त्रों में असंभव शब्द कहा गया है, तो असंभव कुछ भी नहीं इंसान के लिए, यानी वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। लेकिन विशेषता यही है कि वो उस चीज को समझे, जाने। ठीक है, रात्रि को हमारे वेदों में रात्रि योगियों के लिए तो स्वर्ग के समान है, हम लोगों के लिए तो भोग का समय है, निद्रा का समय है। लेकिन योगी जन इस समय अपनी साधना में रत होते हैं और रात्रि को योग भोग निद्रा से योग निद्रा बना देते हैं, जिससे कि आज हिंदू धर्म को या धरती में जितने भी लोग हैं, अनेक लोग उसका फायदा ले रहे हैं, जो शास्त्रों के मार्ग पे चल रहे हैं। तो उन्होंने महसूस किया है कि हम इस मार्ग पे चल के कैसे उन्नति कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें ज्यादा तो वैसे व्याख्या की जाए तो कम ही है, पर विशेषता यही है कि अगर हम 4 से और 5, 5:30, 6 बजे तक उठें तो हम अपने आप को स्वस्थ पाएंगे, आध्यात्मिक उन्नति होगी, शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, कई लाभ है इसके, मतलब अनगिनत लाभ कही जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया कि जल्दी उठने के अनेक फायदे हैं, हम नेचुरली स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा तन मन सब स्वस्थ रहेगा और हमारी जो ऊर्जा होगी कई गुना ज्यादा होगी जब हम समय से उठेंगे और समय से सोएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि ये नित्य कर्म क्या है? जैसे हम सुबह उठने के बाद फिर अब नित्य कर्म की बारी आती है, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आम आदमी समझे कि कैसे हम अपना शुद्धिकरण करें। हाँ, नित्य कर्म का जहाँ तक सवाल है, तो नित्य कर्म में सुबह उठना, स्नान करना, शौच इत्यादि जाना, दातुन करना, ये सामान्य, अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो। और जो अपने ध्यान ध्यान साधना है, जिसको हम संध्या वंदन भी कहते हैं, तीनों कालों में वो ध्यान करना, पर्व के प्रति जो भी आप में जिसको भी आप गायत्री जपो या कुछ भी है वो करना। और ये छोटे छोटे काम जो नित्य कर्म में हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि हम उसको विधिवत करें, समय से उठ जगें, समय से स्नान करें, समय से शौच इत्यादि जाएं, समय से हर काम को एक समय की सीमा में बांधा गया है, तभी हम उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आज हम सुबह 6 बजे ना लेते हैं, कल 10 बजे नहाते हैं, तो उससे हमारे शरीर पर भी फर्क पड़ेगा,
हमारे स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा, हमारी दिनचर्या पे भी फर्क पड़ेगा। तो नित्य कर्म छोटी छोटी चीजें, कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं है कि जो व्यक्ति उसको इग्नोर करे या ये सोचे कि यार कौन करेगा कौन नहीं करेगा। वो नित्य कर्म नित्य करने वाली चीजें हैं। सुबह अपने इष्ट का ध्यान करना, अपने पितरों का ध्यान करना, अपना जिसको जो भी एक कोई इतना नहीं है कि हमको शास्त्रोक्ति करना है कि हम शास्त्रों के हिसाब से चले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे करें, नहीं। क्योंकि जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर हम थोड़ा सा भी आदत बनाएं तो वो नित्य चलने वाली जो चीजें हैं तो हम धीरे धीरे आध्यात्मिक और शारीरिक जो भी हमारी उन्नति होगी वो अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी जी धन्यवाद। और इस प्रकार हम अपनी आदतों को अगर ढालते हैं कि समय से अपना शरीर का शुद्धिकरण करें, समय से उठें, उसके बाद अपना नहाएं धोएं ब्रश करें। कई बार हमारे घरों की बात है कि हमारे पहाड़ में ठंड तो होती है, लोग एक एक हफ्ते बाद नहाते हैं, और वो खैर वातावरण की बात है, जब ठंड ज्यादा होती है तो वो अलग बात है। बाकी हमको रोज स्नान करके और इससे भी पहले हम अगर उठते हैं जब, तो पानी पिए सबसे पहले, जिससे हमारा शरीर का अच्छे से शुद्धिकरण हो जाएगा और जो कुछ भी हमने खाया पचाया वो ठीक से निकल जाएगा। तो ये भी सभी लोग ध्यान रखें अपने इस नित्य कर्म में। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं सर। हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में त्रिकाल संध्या करने का एक नियम है, तो आजकल के वर्तमान जमाने में लोग जानते नहीं कि त्रिकाल संध्या भी होती है। आप जैसे गुरु तो सब जानते हैं, पर आम आदमी को भी थोड़ा समझाइए कि हमारे इसमें कब कब वो समय रखा गया है, क्या होती त्रिकाल संध्या। विशेषतः एक्चुअल में क्या है कि अगर आज की बात करें और वेदों की ओर चले, मैं अपने आप को इतना ज्ञानी नहीं मानता हूँ क्योंकि वेद तो अखंड है, आप कहीं से भी उठा लो कहीं से पकड़ो ना, आज तक किसी ने उनको पाया है और शायद कोशिश करी भी होगी तो ऋषि मुनियों या हमारे जो वैदिक धर्म के या सनातन ऋषि होंगे उन्होंने तो प्राप्त किया, इसीलिए उन्होंने लिखा उसको। तो त्रिकाल मैंने ये कह दिया कि हम लोगों ने आज उलझा दिया है, हमने उसको यूं उलझा दिया कि आदमी को भारी लगता है, बोझ लगता है कि यार कौन करे कौन नहीं करे, उससे भागना चाहता है। जबकि उसमें वही छोटी संध्या, छोटी सी वो है त्रिकाल संध्या, तीनों समय में सुबह की और दोपहर की और शाम की, कि सुबह हम 4 बजे उठ के अपनी जो भी नित्य कर्म वो करें, दिन में भी थोड़ा सा समय निकाल कर 12 बजे से 1 बजे के बीच में, 11:30 12 बजे बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त, ये अभिजीत मुहूर्त समय होता है, उस समय भी हम थोड़ा सा पर्व का ध्यान करें। भोजन का समय भी दिन में 12 बजे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह का नाश्ता उठते ही 1 घंटे के अंदर, दिन का खाना 12 बजे से 1 बजे के पहले हो जाना, और शाम का खाना शाम को सूर्य अस्त से पहले खा लेना चाहिए, ठीक है। उससे पहले भी अब हम संध्या वंदन करें तो आप पाएंगे कि जो आजकल में जो छोटे छोटे रोग जिनको बहुत हो गए, जैसे शुगर हो गया बीपी हो गया, तो आप नोट कर लीजिए अगर आप 7 बजे से पहले खाना खाते तो आपका शुगर आधा वैसे ही कम हो जाएगा, ये तो आयुर्वेद भी कहता है, ये तो आजकल नूतन साइंस जो है वो भी इस बात की पुष्टि करता है। हालांकि हम लोग अपने आलस्य के कारण इन चीजों से दूर भागते हैं जो कि हमारे लिए आजकल खतरनाक हो रहा है और हम उसका भुगतान कर रहे हैं, नए शब्दों में कहें तो उसी का भुगतान हम लोग करें। लेकिन जो आज भी अपनी दिनचर्या अपने नियम से चलेगा तो वास्तव में वो आधा सुखी तो ऐसे ही हो जाएगा बगैर कुछ करे, सिर्फ नियम में बनने से। यम और नियम कहे गए ना कि अगर हम नियम से चलते हैं किसी भी चीज के प्रति, सपोज करो कि अगर सूरज सुबह 6 बजे निकलने का समय है और एक दिन अगर सूर्य भगवान थोड़ा सा लेट हो जाए तो पूरी सृष्टि का चक्र ही गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा लेट होने में पूरी सृष्टि का। बस यही हमारे शरीर के साथ भी है, ठीक है, कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर नित्य से चलते हैं और एक दिन भी हम सोचते हैं चलो यार आज 6 बजे की जगह 7 बजे उठेंगे तो दूसरे दिन से फिर नेचुरली बात है कि हमारे शरीर उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करने लगेगा और हमारे पूरे शरीर का स्ट्रक्चर ही पूरा खराब होने लगेगा। तो हम इसलिए थोड़ा दूर भागते हैं, लेकिन जबकि वास्तव में उसमें कोई ज्यादा शर्त नहीं है। अगर ज्यादा नहीं होता आप 5 मिनट सुबह 5 मिनट दिन में और 5 मिनट शाम को, तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका आरोग्य बढ़ेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार आगे बढ़ेंगे, उससे धर्म की उन्नति भी होगी, शरीर की भी रक्षा होगी और धर्म की भी रक्षा होगी, ऐसा मेरा मानना है। ज्यादा व्याख्या न करते हुए, बाकी तो बड़े बड़े शास्त्राचार्य बड़े बड़े वेदाचार्य हैं वो लोग अलग करते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ और जहां तक मैं इस मार्ग पे चलता हूँ तो मैंने एक चीज देखा कि असंभव शब्द
अपने शब्दकोश से निकाल दो तो आप कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी। ठीक है, जी। कुल मिला के ऐसा कि जितनी देर भी हम करेंगे, चाहे 5 मिनट दिन में 3-3 बार कर लें कम से कम, तो इतनी देर हमारे अंदर, हमारे मन में अच्छे विचार, अच्छे भाव, सात्विकता आएगी, है ना, जिससे हमारा तन मन का शुद्धिकरण होगा। तो कुल मिला के ये चीजें वैज्ञानिक तरीके से रखी गई थी, इस पर पूरा कि 3 दिन में 3 बार तो कम से कम आदमी अपने तन मन का शुद्धिकरण करेगा। तो हम सबको अपनाना चाहिए, नई पीढ़ी चाहे 5-5 मिनट करें, चाहे वो ऑफिस में है तो अगर समय मिलता अलग से बैठ के मन मन में कर लें, चाहे वो सब साधन उपलब्ध ना हो, तो मेरा ऐसा मानना है। अगले सवाल पर हम आ जाते हैं सर। ये जो नए जमाने के बच्चे हैं, ये दीप धूप अगरबत्ती करना नहीं चाहते हैं, मॉडर्न हो गए हैं, और इस कारण से वो अपने संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। तो कैसे वो समझें कि इस चीज का ये महत्व है, क्यों करेंगे वो ये सब, थोड़ा इसको भी शॉर्ट में बताइएगा। इसके पीछे जो हमारे जो युवा पीढ़ी या जो हमारे जो भविष्य है इसलिए दूर भाग रहा है, इसके पीछे कारण हम भी हैं। संस्कारों का रोपण करना, जब तक हमने बच्चों के अंदर अपने संस्कार नहीं देंगे, हम सुबह धूप दीप करते हैं लेकिन हम बच्चों को इन्हें समझा आप जल्दी जगो और दीप करो, इससे ये शक्ति मिलती है, इससे हमारी बौद्धिक उन्नति होती है, हम उनको समझाने में असमर्थ होते हैं। आजकल भौतिकता ज्यादा हो गई है, लोग भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, जबकि आप उसका नतीजा देख रहे हो कि भौतिकता के पीछे भागने का नतीजा क्या है। तो हम उनको उस अध्यात्म से जोड़ने में कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में भी वो दिक्कत है कि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, इन चीजों का जो हम दिया जलाते हैं इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, शास्त्रीय बहुत बड़ा महत्व है इसका, वेदों में, या धूप जलाते हैं या फिर हम घंटी बजाते हैं या शंख बजाते हैं या जो भी चीजें, इसके अनेक आज तो साइंस से भी इनको प्रूव करता है कि आप इससे क्या लाभ है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को भी समझाना होगा कि इसके ये लाभ है। भाई सुबह दिया आप दीपक जलाते हैं तो उसका भी एक महत्व है कि जो हमारे पर्व हमारे ज्योति स्वरूप है, हमें उनको कैसे प्राप्त करना है, क्या धीरे धीरे जब बच्चे को बचपन से ही वो आदत लग जाएगी तो एक दिन वो उस चीज को प्राप्त कर लेगा। लेकिन हम लोग तब समझ पाते हैं जब हम 40, 45, 50 हो जाते हैं, तब हमें लगता है यार अब तो थोड़ा उम्र हो गई, आप धूप दीप कर ले, पर्व को बले, लेकिन तब तक शायद मेरे हिसाब से हम बहुत बड़ा समय खो चुके होते हैं। और हमारी हम उस चीज को जो चीज हमें बचपन में प्राप्त कर लेनी चाहिए उससे हम कम से कम जीवन पर्यंत वंचित रह जाते हैं, ऐसा मेरा मानना भी, और बहुत जगह ऐसा देखा भी गया है। ठीक है, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं, वो इसी चीज को साक्षात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, हम जानने मानते तो हैं लेकिन जानने की कोशिश कोई नहीं करता है, और वो एक बड़ा खाली स्थान रह जाता है हमारे जीवन में, एक रिक्त स्थान रह जाता है, जब तक हमें समझ आ जाए तब तक समय निकल चुका होता है। पंडित जी, जैसे हमारा जो जैसे दीप मंत्र है, धूप मंत्र है, तो हम दीप मंत्र को ही ले लें कि मंत्र में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर मंत्र ही बंदा सीख ले, जैसे शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते, दीप और ज्योति परब्रह्म, दीप और ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतो मे पापम, संध्या दीपो नमस्तुते। तो इस मंत्र को सीखने मात्र से वो समझ जाएगा कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस तरह हमको हर व्यक्ति को समझना चाहिए था, दीप चाहे धूप, हल्का फुल्का मंत्र तो सीखने भी चाहिए। कह रहा हूं ना कि भाई मंत्रों में ही पूरा सार छुपा हुआ है कि भाई दीप ज्योति परम ब्रह्म, वो दीप जो है वो पर ब्रह्म स्वरूप है, तो उसे हमें ढूंढना है, खोजना है उसे कि है क्या। जब हम कोशिश करेंगे तो अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं इसलिए संक्षेप में बात रख रहा हूँ कि भाई हमें खोजना चाहिए और बच्चों के अंदर संस्कार उत्पन्न करने चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया, क्यों इसकी प्रशंसा की गई है, क्यों शास्त्रों इतने बड़े बड़े वेद शास्त्र लिखे गए हैं। तो जब तक हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और शायद इसके लिए अनेक सनातन विधियां हैं, अब ये तो समय का अभाव है और सोशल मीडिया का भी मिलेगी तो इस पे विस्तृत चर्चा हो सकती है, और ये लंबी चर्चा का विषय है और रहा है पुरातन काल से ही रहा है, ऋषि मुनि परंपरा से ही रहा है कि ये जानने का विषय नहीं है, मानने का नहीं, जानने का विषय है, इसे हमें जानना होगा।
जब तक हम जानेंगे नहीं, हम सिर्फ मानते हैं जानते नहीं है। यही कारण है कि हम उस परम सुख से या परम सत्ता से वंचित रह जाते हैं और उन संस्कारों से हम दूर होते जा रहे हैं। धन्यवाद। अब मेरा एक अंतिम सवाल है हाँ कि आजकल हमारे जैसे उत्तराखंड हो गया या अन्य राज्य हैं, बंगाल है वहां है, तो ये तंत्र मंत्र विद्या का लोग गलत इस्तेमाल करके अच्छे खासे जने का जीवन अस्त व्यस्त कर देते हैं, तो जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है या कई परिवार तो बेदखल भी हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें जनरली क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहिए कि इससे भी हम बच सकें? अब इस पे तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों चीजें हैं। मंत्र अर्थात मन को नियंत्रित करना, मंत्र को हम लोग जो ऋचाएं हैं उनको मंत्र बोल देते हैं, लेकिन वो ऋचाएं श्लोक है जो वेदों में लिखेंगे वो ऋचाएं श्लोक कहा जाए, लेकिन मंत्र जो है वो मन को नियंत्रित करना है। और तंत्र और यंत्र, तो आप तंत्र कुछ परिस्थितियों में जिन इसमें शास्त्रों में बताई गई है, शुक्राचार्य जी तंत्र का प्रयोग करते थे और गुरु बृहस्पति उन्होंने वेदोक्त ही विधि से पूजाएं की है और शुक्राचार्य जी जरूर तंत्र का प्रयोग है। लेकिन चलो उस वो तो एक गंभीर विषय है, गूढ़ विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन जो वर्तमान है कि इससे बचे कैसे, सीधे आते हैं। आजकल लोग वास्तव में ऐसा करते भी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप दो तीन चीजें मेरे जो मेरे संज्ञान में जो मैंने प्राप्त किया, जो मुझे समझ पाया हूँ, आप कुछ ना करें। अगर आपके घर में रोज रुद्री वेद मंत्र कहा गया, रुद्री रुद्राष्टाध्यायी एक बुक है, अगर किसी तत्ववेता मतलब अच्छे जानकार से, ये नहीं आजकल तो पढ़ने को कई पढ़ते हैं, लेकिन उसका उच्चारण सही होना चाहिए, 6 महीने के अंदर आपके घर में कोई भी हवा नहीं रहेगी। कोई भी खाया हो, खिलाया हो, किसी ने किया हो, कराया हो, उसका उत्तर उसका हल वेद ही है भाई। जब वो बाहर से निकला तो उसका हल भी बाहर से नहीं। ऐसे ही कुछ हमारे शास्त्रों में गौमूत्र कहा गया है, धूप दीप कहा गया, अगर आप दीपक जलाते हो ना तो इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती हैं। आप धूप जलाते हो तो इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं। आपके अंदर कोई हवा घुस गई, हो जाता है कभी छल छिदर, हमारे उत्तराखंड में तो बहुत माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया गौमूत्र, अगर गौमूत्र का आप नित्य सेवन, थोड़ा सा सुबह थोड़ा सा, ये मान के चलो कि ज्यादा गौमूत्र तो गर्मी दे कहते हैं, लेकिन अगर आधा चम्मच आप सुबह और आधा चम्मच शाम को लेना शुरू कर दे, और उससे तो आपको 400 कुछ रोग बताए गए हैं आयुर्वेद में, 450 के लगभग रोग तो खत्म होंगे होंगे। जो आपके अंदर हवा होगी, जो छल छिद्र होगा ना, वो 6 महीने के अंदर अगर आपको ना छोड़े तो ये भी गारंटी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको जो लगभग लगभग 15-20 हज़ार रुपये नॉर्मल चीज, 15-20-30 हज़ार रुपये लोग खर्च करते हैं, और उसमें एक छोटा सा वह कि तीरथ थे तीन जना मन चंचल थे, चोर एक हो पाप न काटिया लादिन सिर दस और, कि करने को तो हमने अच्छा कर दिया लेकिन हमने 10 पाप और अपने ऊपर ले लिए कि हमने कुछ ऐसे उसमें, क्योंकि वो भी फिर तंत्र विधि से ही होगा, छल छिदर भगाने के लिए फिर हमको तंत्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ और हम 10 पाप कर बैठेंगे तो पाप तो एक नहीं कटेगा लेकिन हम 10 और अपने सर में ले लेंगे। तो उसका भी वही है कि छोटी छोटी चीजें, ज्यादा नहीं, आप बस अपने घर में वेद मंत्रों का उच्चारण करें, कुछ नहीं। आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया विद्वान तत्ववेत्ता हैं, ऐसे हैं, तो आपको खुद ही फर्क महसूस होगा कि आपके घर में खाया खिलाया वो, ये सूक्ष्म विधि है, बगैर खर्चे की विधि है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बस आप ज्यादा ज्यादा 1 घंटे के मंत्र, आप कुछ नहीं अगर अच्छा सा हुआ है आप घर में चला दे, लेकिन उच्चारण शुद्ध हो उच्चारण, क्योंकि अगर अर्थ का एक भी अर्थ गलत हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है ना। यानी जैसे सुर असुर है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन असुर लगने से राक्षस हो गया, असुर लगने से देव हो गया। बस यही है कि उसका उच्चारण अगर सही प्रकार से किया जाए, सही ढंग से किया जाए, तो सपोज अगर हम किसी सही डॉक्टर के पास अगर हमें सही दवाई देते थे तो हम अगर ठीक ढंग से खाते हम ठीक हो जाते हैं, ठीक वही है वो। अगर हम सही ढंग से उच्चारण करेंगे हम अनेक रोगों से बचेंगे, अनेक तंत्र मंत्र हवाओं से बचेंगे। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके अंदर कोई ऐसी हवा, ऐसा खाया खिलाया, ऐसे करा कराया आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता अगर आपके घर में नित्य होता है। बस ज्यादा ज्यादा 6 महीने के अंदर अंदर आपको फर्क महसूस हो जाएगा, और उस 6 महीने का आपको पूरे जीवन पर्यंत आपकी तरफ कोई देखेगा नहीं, वो पहले ही समझ जाएगा करने वाला भी कि नहीं इस घर पे इस व्यक्ति के लिए नहीं करना भाई, क्योंकि उस पर लगेगा ही नहीं, ठीक है। जी। और मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि और सुना भी हुआ है कि
सात्विक प्रकार प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा तो उस पर यह चीजें कम असर करती है। तो रोज जो ध्यान करता हो सही हो, जिसका तन मन साफ हो, तो उस पर यह चीजें कम असर करती है, मैंने ऐसा सुना है। जो मैं एक बताया ना, हम त्रिकाल संध्या का बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बताया है, जो आपने बोला कि थोड़ा सा ध्यान करना है आपको, आपके नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्तियां आपकी तरफ वैसे ही नहीं देखेंगी, वो आपसे ऐसे ही दूर भागेंगे जैसे प्रकाश को देख के अंधेरा भागता है ना, अंधेरा आपने घर से तो अंधेरा गायब हो जाता है, प्रकाश बस असुरी शक्ति आपको देख के ऐसे ही भाग जाएंगे। बस थोड़ा सा सात्विक जीवन जी, धर्म के प्रति लगाव हो, थोड़ा सा वेदों की ओर चलें, बस छोटी छोटी चीजें ज्यादा आपको, क्योंकि वेदों पे कोई पढ़े लिखों का अधिकार नहीं है, कबीर दास जी तो अनपढ़ थे, या अनेक शास्त्रों में जो है कालिदास जी अनपढ़ थे, उन्होंने कभी, कबीर दास जी ने कहा है कागज कभी छियो नहीं मसी लियो नहीं हाथ, कि मैंने तो कागज कलम कभी छुआ ही नहीं है, ठीक है, फिर भी आज उनपे हम पीएचडी कर रहे हैं, जो जिन्होंने पढ़ा नहीं उन पे हम पीछे करें, क्यों, उनको आध्यात्मिक ज्ञान था, और आध्यात्मिक ज्ञान जब हमारे अंदर से प्रकट होगा उसके लिए हमें भी कुछ प्रयत्न करना होगा, कुछ विधा है, कुछ शास्त्रों ने शर्तें दी हैं, अगर हम उन शर्तों पे चलते हैं तो कभी चर्चा होगी तो इस विषय पे जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन हमें जाना होगा शास्त्रों की ओर, एक निश्चित, जिस तरह हमें जब हम स्कूल शुरू करते तो हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती, इसी तरह हमें कुछ ना कुछ कोई तो चाहिए जो हमें बताए इस मार्ग को, बताए कौ पंथा सौ पंथा इनको तो महापुरुष, रास्ता कौन सा हो, जिस रास्ते महापुरुष गए हों तो आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा, अवश्य ही आप प्राप्त कर पाएंगे, हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, वेदों से जुड़ पाएंगे, तो थोड़ा सा हमें, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा अगर हम कोशिश करेंगे तो दिन दिन हमारी उन्नति अवश्य होगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट में फिर मेरे मन में एक छोटा सा ख्याल है कि जैसे हमारे पास समय कम है तो हम कैसे अपनी संध्या करें, कि कुछ लिमिटेड है कि जिससे कि कम में ज्यादा प्रभाव पड़े, तो कैसे करें हम अपनी संध्या को लिमिटेड समय में, क्या पढ़ें, कैसे करें? हाँ, थोड़ा सा आप, मैंने बता देना, खाते समय भी आप अपने पर्व का ध्यान कर लेते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जिस पर्व को भी आप मानते हैं, आप अगर वास्तव में सीरियस हो गए एकाग्र मन से, थोड़ा सा भी खाते समय भी अगर आपने कबीरा आधी घड़ी और आधी के भी आध और पुनः आधी के भी आध, मतलब मुश्किल से 1 मिनट, अगर 1 मिनट का भी आप अगर भोजन करते समय, सबसे सूक्ष्म समय वही है कि हम लंच करते हैं, हमें आधे घंटे की छुट्टी मिलती है ऑफिस में भी, तो 1 मिनट हम उसमें निकाल सकते हैं मात्र, और उस 1 मिनट में भी अगर हम उस पर्व से एकाकार हो पाते हैं तो निश्चित है कि आपके रास्ते आगे खुलते जाएंगे और आपको मार्ग दिखाई देगा कि आपको क्या करना है, बस जिस पर्व को आप मानते हैं सबसे पहले उसी से प्रार्थना करें, वो अवश्य आपको उस मार्ग पे पहुंचा देगा कि जहां से आपके पुण्य सारे रास्ते खुल जाएंगे, ऐसे ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं, चाहे आप सुबह उठ के करें, थोड़ा सा सुबह उठ के, उठते ही अगर आप थोड़ा सा ध्यान कर लिया, जो भी आप मंत्र, कोई जरूरी नहीं कि आपको मंत्र ही पढ़ना है, क्योंकि अब जो पढ़ा लिखा होगा वो वेद ग्रंथ पढ़ेगा, जो वो करेगा, लेकिन जो अनपढ़ होगा वो क्या करेगा, वो तो अब उनको हम कहेंगे पढ़ो लिखो तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो वही शर्त है कि आप, इसीलिए हम कहते हैं संस्कार दो, अगर वो अनपढ़ भी रहेगा उसके अंदर संस्कार होंगे, अगर वो जानता होगा कि हाँ मेरा भगवान शिव, अगर मैंने सपोज करो कि 5 मिनट मन से शिव जी को ही भज लिया और उनसे प्रार्थना की, प्रार्थना में भी होना चाहिए ना कि भाई मुझे क्या करना है, तो अवश्य आपको रास्ता, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका रास्ता बंद हो जाए, आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, और कोई बड़ी लंबी शर्तें नहीं, शर्तें तब शुरू होती हैं जब आप उसमें चलते हो, श्रेय और प्रिय मार्ग कहा गया ना, कि अभी हम भक्ति करते हैं तो अपने मन से करते हैं जो हमारा मन कहता है, क्योंकि भगवान तो पत्थर की मूर्ति है, कुछ बोलेगा नहीं, हमने नहला दिया, धुला दिया, लड्डू चढ़ा दिए, लेकिन जब शर्तें होती है ना तब भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जी, धन्यवाद धन्यवाद। और एक अब बसंत पंचमी का त्योहार आने वाला है, तो ये कब आता है और हमें कैसे तैयारियां करनी चाहिए इसकी, मतलब सारे उत्तराखंड वासियों को? हाँ, ज्यादा नहीं, अभी मैं सबसे बताऊं, देखो बसंत पंचमी भी हमारे शास्त्रों में और अनेक जगह बसंत पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है, और इस दिन ज्यादातर लोग शिव पूजा भी करते हैं, और कई जो कुंडली जनित दोष होते हैं उसके लिए भी लोग मंदिरों में, शिव मंदिर में या उसमें पूजा करवाते हैं, बसंत पंचमी जैसे नाम से सार्थक है, बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है, फूल खिलने लग जाते हैं, प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है, हर जगह एक नया नया सा आपको लगेगा, ठीक उसी प्रकार जो परिवर्तन बाहर होते हैं वही हमारे अंदर भी होते हैं, तो अगर हम उसको भौतिक दृष्टि से ना, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये हमारे उत्थान का समय होता है, जो हमारे त्योहार हैं उनको ऐसे ही शास्त्रों ने जगह नहीं दी, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक कारण है, और आपने देखा होगा कि आज तो विज्ञान को प्रमाणित कर रहा है,
जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, जो हमारे आयुर्वेद आचार्यों ने कहा, आज जो नई पीढ़ी यही कह रही कि इसको फॉलो करो, चलो आयुर्वेद की तरफ चलो, चलो वेदों की तरफ चलो, चलो ये नियमित जीवन की तरफ चलो, आज ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये यही कारण है। तो बसंत पंचमी हम बड़े धूमधाम से मनाएं, ये हमारे जीवन में बदलाव का संकेत है। अगर उसको सामान्य भाषा में, एक बदलाव होता है, जिस तरह हमारी प्रकृति में बदलाव होता है, फूल खिलने लग जाते हैं, हर चीज में एक नई जान आ जाती है, नई कोपलें फूट जाती है, वह ऐसे ही हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर हम उस समय को पकड़ पाए तो हमारी अवश्य उन्नति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सरल शब्दों में अपना ही विचार व्यक्त किए, हमको समझाया। और ये जानकारी माता रानी के पेज से बहुत सारे भक्तों तक पहुंचेगी, और आपने बड़ा कीमती समय का दान दिया। ईश्वर आपको हमेशा सदा सुखी रखे, आपको आपको और आपके परिवार को। और माँ भगवती से भी यही प्रार्थना है कि आप जिस तरह सेवा करते आ रहे हैं तो आपको हमेशा आशीर्वाद दें। धन्यवाद जी। प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, और जिस प्रकार आप एक अभियान चला रहे हैं और इससे अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो इससे हमें भी सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे, हम वेदों की ओर चलें और सबका कल्याण हो। इसी के साथ धन्यवाद। और कुछ अगर गलती से कुछ अन्यथा शब्द निकला या किसी को कोई ठेस पहुंचे तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। तो यहीं पर अपनी बात रखते हैं, धन्यवाद। जी।